अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शादाब हाशमी व्लॉग्स। आज ईद उल अजहा का दिन है और आज का व्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले तो मैं सनराइज का टाइम लैप्स लेने के लिए ऊपर आया। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद सूरज तो नहीं आया, लेकिन मुझे समझ आ गया था यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ईदगाह में सवेरे जाया जाए, और मैंने वही किया। तैयार हुआ और निकल पड़ा ईदगाह की ओर। वैसे तो ईदगाह में ईद की नमाज का टाइम 8 बजे का था, लेकिन मैं 7 बजे इसलिए पहुंचा हूं, मुझे यहाँ का टाइम लैप्स निकालना है, इधर मैं अभी चल रहा हूँ। ईदगाह में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैंने परमिशन ली और फिर बिना किसी की परवाह किए जहाँ जहाँ पर मुझे ट्राईपोड सेट करने थे ट्राईपोड सेट करता चला गया। अब जैसे जैसे नमाज का टाइम नज़दीक आता जा रहा था वैसे वैसे ईदगाह भी भरती जा रही थी। टाइम 7:50 हो चुकी है, ईदगाह का लास्ट का ये हिस्सा अभी भी खाली है और लोगों ने यहीं पर बैठना चालू कर दिया है। ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام. كالعالي أنت الذي بالعطايا البيض تدهشني حتى أسبح باسم غاب عن بالي. القادر الرازق البر الكريم له من القداسة ما يجتاز أقوالي. إني أحبك ربا لا شريك له حبا لذاتك لا من أجل آمالي. إني أحبك تعظيما لما حملت أسماؤك القدس من حسن وإجلال. अभी जा रहे हैं हम थाना भवन की शान हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी के मजार पर। जैसे ही हम हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी के मज़ार पर पहुँचे हमें एक बहुत ही फ़िक्रमंद बुज़ुर्ग मिले। हमने कुछ देर उनसे बातें की
उनका ये कहना था आजकल लोग आलिमों की कदर नहीं करते। मैंने जैसा सोचा था ईदगाह का शूट वैसा कंप्लीट हुआ। जहाँ जहाँ पर मुझे वीडियो क्लिप निकालने थे व्लॉग के लिए और कहाँ जहाँ जहाँ पर मुझे ट्राईपॉड सेट करके टाइम लैप्स निकालने थे वो कंप्लीट हुआ। वैसे तो मैं अकेला ही निकल गया था शूट के लिए, लेकिन वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अकेला आदमी नहीं कर सकता पूरा काम। फिर मेरे साथ मेरे दोस्त आए, उबैद आया, समद आया और भी आए, और फिर जाके ये वीडियो शूट हुआ। 3 ट्राईपॉड्स रखे हुए थे हमारे और 5 ये मोबाइल से वीडियो शूट हुआ। तो प्लान के मुताबिक जो ब्लॉग का सेकंड स्टेप है वो है जहाँ पर बच्चों के लिए बाज़ार लगता है, खेल खिलौनों की दुकान लगती है, वहाँ पर सिनेमैटिक शॉट लेना और टाइम लैप्स लेना। प्लान के मुताबिक व्लॉग का 3rd स्टेप है हाइपर लैप्स, थाना भवन की मेन जगहों का हाइपर लैप्स।